दोबारा का वो वक्त आपको याद होगा जब कांग्रेस की स्थिति अभी की बीजेपी जैसी थी, जहां राजस्थान के बड़े चेहरे अशोक गहलोत को कांग्रेस सीएम नहीं बनाना चाहते। लेकिन कहा जाता है कि गहलोत ने ऐसा प्लान बनाया कि सब उनके पक्ष में हो गया और बाजी ऐसी पलटी कि गहलोत सीएम बन गए। अब वही स्थिति राजस्थान बीजेपी के बड़े चेहरे वसुंधरा राजे की। बीजेपी सीएम नहीं बनाना चाहती, लेकिन वसुंधरा ने अब ऐसा प्लान बनाया है कि खुद पीएम मोदी के होश उड़ जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को संपन्न हो चुका है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि सीएम कौन होगा। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को बीजेपी सीएम बनाए, और कहा तो ये भी जा रहा है कि वसुंधरा भी खुद ऐसा ही चाहती है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। वसुंधरा ने बनाया बड़ा गेम प्लान। अब वसुंधरा का बड़ा और खतरनाक गेम प्लान भी जान लीजिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी वसुंधरा को सीएम बनाने की मूड में नहीं है, इसलिए अब वसुंधरा ने ही प्लान बना लिया है। वसुंधरा का बड़ा गेम प्लान है बागी उम्मीदवार। जी हाँ, बीजेपी के बागी उम्मीदवार जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो वसुंधरा का गेम प्लान है। उनके सहारे राजे मोदी को डराना चाहती है, क्योंकि देखिए एक तो प्रदेश की 5 दर्जन सीटों पर बागियों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हालत खराब कर रखी है, और तो और बागियों को उनकी अपनी ही पार्टी के दिग्गजों का आशीर्वाद प्राप्त है, जैसे वसुंधरा राजे और उनके समर्थक। वसुंधरा के कुछ समर्थक ऐसे हैं जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आए। इनमें कैलाश मेघवाल, भवानी सिंह राजावट, यूनुस खान, अनीता सिंह नगर, चंद्रपाल सिंह शामिल है। ये ऐसे नेता है जो वसुंधरा राजे के करीबी है और बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा ने अपने समर्थक उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार तो किया, पर उन जगहों पर अपनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करने गई जहां से उनके समर्थक बागी के रूप में प्रत्याशी है। यानी वसुंधरा सीधे सीधे अपने समर्थकों का सपोर्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर रही है। तो आज तक की एक रिपोर्ट में ये गेम प्लान बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे की यही प्लानिंग है, बीजेपी को 85 से 90 सीट ही मिले, क्योंकि वसुंधरा राजे के करीबी खास 20 लोग बागी की हैसियत से चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं, और अगर ये जीतते हैं तो वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के साथ आ जाएंगे। लेकिन अगर वसुंधरा को बीजेपी नहीं सीएम बनाती है तो ये कांग्रेस की सरकार बनवा देंगे। यही है वसुंधरा का प्लान। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो वसुंधरा को सीएम बनाने के लिए बीजेपी मजबूर हो जाएगी, नहीं तो उनका ही नुकसान है। गहलोत के कदम पर चली महारानी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी जान लीजिए। बात 2018 की है, जब कहते हैं कि सीएम गहलोत की प्लानिंग से वो सीएम बने थे। हुआ कुछ यूं था कि सबको लग रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकार ऐसा कहते हैं कि तब गहलोत की प्लानिंग काम आई। उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने कांग्रेस के करीब 1.5 दर्जन बागियों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया था। इनमें करीब दर्जन भर तो चुनाव जीत ही जाते। चुनाव के बाद नतीजे वैसे ही आए जैसा गहलोत ने तैयारी की थी। दर्जन भर बागी चुनाव जीत गए और फिर सीएम गहलोत ने बागी नेताओं के सहारे जीत हासिल की और कांग्रेस ने उन्हें ही मजबूरी में सीएम बनाया। और अब लोग कह रहे हैं कि गहलोत के कदम पर ही वसुंधरा राजे चल रही है और यही 2000 का प्लान अब आजमा रही है। हालांकि ऐसी खबरों की कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस प्लान से मोदी जरूर डर जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।